काम दे I love you. Angkuilan nara pun kelum mas kangnya baru kelum sa. यहाँ में हमारा सीनियर लीडर्स है वरी शंकर दिया हमारे सीनियर मिनिस्टर वाणी दुनिया वाईटीएफ प्रेसिडेंट शिवला मोथा प्रेसिडेंट गुरुई मदर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सब शिवाई बोलना चाहता है नमस्कार बोलना चाहता है टीसीएफ करते सबको मेरा तबीयत इतना ठीक नहीं है मेरा शरीर ठीक नहीं थोड़ा सा डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा सा विधि लेकर थोड़ा आराम करने के लिए लेकिन मैंने अपना कमिटमेंट दिया था कि मैं यहाँ में शांति बाजार में आऊँगा आप सबसे बात करूँगा आप लोग इतना दिन से इतना देर से हमारे लिए अपेक्षा कर रहे हैं बुबागरा आपसे मिलने आया है आपसे बात करने आया है और आपको भाषण देने नहीं आया है आपसे आपको आपसे कुछ विनती करने आया है सबसे पहले मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप बुबागरा को देखना चाहता है ना तो ये बैरिकेड क्यों बनाया ये तो सिर्फ वीआईपी के लिए आप लोग अंदर यहाँ आ जाओ इतना दूर बैठने से क्या होता है अच्छा पूरी बात सुन रहे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सब मेरा बॉडीगार्ड है ये कभी भी आपको छुएगा नहीं भैदी 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 अरे मुझे बजे बहुत नेता लोग यहाँ में आएगा मैंने सुना है कि ऋषिमुख में आसाम का मुख्यमंत्री आया है बीजेपी का बड़ा बड़ा नेता लोग पॉलिटिशियन लोग राजनेता लोग ये लोग शांति बाजार में आया है थोड़ा दिन पहले देश का होम मिनिस्टर भी आया अमित शाह नेता लोग दिल्ली से आ रहा है हेलीकॉप्टर से प्लेन से और सब लोग बोलता है बड़ा बड़ा बात करता है ये लोग बहुत बड़ा बड़ा बात करता है स्मार्टफोन पावा जाबे रेगा 340 टाका होबे डबल इंजन का सरकार बेकार बाटा 10,323 का चाकरी भालो रास्ता होबे आमी तो आमादेर आदिवासी रे टाका दी तो चाय बड़ा 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 बात करेगा 2018 में भी सब लोग आया था सबने बोला मिस्ड कॉल करो नौकरी मिलेगा मिस्ड कॉल बाबा था यही नंबर पे फोन कर ले चाकरी पावा जावे बोला था कि नहीं बोला था 2018 में स्मार्टफोन पावा जावे हमारे पूर्व ही रे मिला ये लोग 5 साल पहले आया आपका वोट लिया एमएलए बन गया मंत्री बन गया 5 साल बाद हमारा बुकुम बारा को कुछ मिला हमारे बंगाली को कुछ मिला हमारे मुसलमान भाई को कुछ मिला नहीं आपको तो मिला आपको पाकिस्तानी बोला आज 2023 से 5 साल हो गया फिर से बाहर से दिल्ली से बड़ा बड़ा नेता लगाया फिर से बोलेगा उन्नति होबे चाकरी पावा जाबे टाका पावा जाबे रास्ता होबे बिल्डिंग होबे अस्पताल होबे बाटा होबे 2023 का इलेक्शन खत्म गुड बाय टाटा फिर से दिल्ली चला गया फिर से 2028 इसको
पॉप और रॉक में एक शब्द है जो हम लोग बोलता है, क्या है वो शब्द? ठोका है। क्या बोलता है इसको? अरे जोर से बोलो, क्या बोलता है इसको? ठोका है। क्या बोलता है? तो ये लोग 75 साल से सब नेता लोग ठोकाई करते करते आया है, धोखाबाजी, दगाबाजी। इलेक्शन के पहले कुछ और, आपका वोट मिल गया, एमएलए बन गया, उसके बाद अगरतला में नया नया घर, कभी दिखाई नहीं मिलता, कभी फोन नहीं उठाता। मुबाकरा भी चाहता तो मुबाकरा भी आपके पास आके बोलता, आमी महाराजा, आमी मुबाकरा, आपने हमार मुख्यमंत्री करें, आपने हमार एमपी दिए दें, आमी मंत्री होते चाहे। मुबाकरा ने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा। जब मैं दिल्ली भी गया तो सबने हमसे पूछा, अपनी टाका नियन ने ग्रेटर पीपल लैंड डिमांड करें ना, हमार संग जोड़ करें। এই ভুকুমারা নাক চেপটা নারভুম যে মানুষ আছে ওরা নিয়ে কথা বলো না, আপনি মন্ত্রী হয়ে যাও, এরপরে দেখা হবে। 50 সাল মে মে পহলা আদমি হুম যো দিল্লি আঞ্চলিক পার্টি দিল্লি মে গয়া আর আপনা দফা কা লোগো কো আপনা ত্রিপুরা কা লোগো কো বেচা নেই, आपके लिए फाइट किया जब राइटिंग में नहीं दिया, जब राइटिंग में नहीं दिया तो बोलता है कि मुबाकरा खराब है। जब मुबाकरा अपना तिपरासा को बेचा नहीं तो ये लोग बोलता है हम सीपीएम के साथ है, कांग्रेस के साथ है। एक हफ्ता पहले जब दिल्ली में निमंत्रण दिया था आपने, तब हम किसके साथ था? हम अपना तिपरा साहब को बेच नहीं सकता। हम आप लोगों को, आपने इतना प्यार दिया है मुझे, इतना प्यार दिया है, मैं आपको कैसे बेच सकता? ऊपर भगवान ने, ईश्वर ने, गॉड ने, अल्लाह ने सब कुछ दिया मुझे, राजबाड़ी दिया, नुयुमा दिया, रंग भी दिया, पैसा भी दिया, लेकिन आपका राजा बीमार है, तबीयत ठीक नहीं है। मैं जानता नहीं हूं कि कब तक आपके लिए फाइट कर सकता हूं, लेकिन आपको एक बात मैं बोलना चाहता हूं। हमारा यहां में बूमा लोग है, अभी एमपी में एक औरत आया, जमातिया था, हमको बोला महाराजा आपका शरीर तो हमिया है, हमारे पास एक विधि है, आप ले लो, आप ठीक हो जाए। नहीं, क्या प्यार है, देखो हमारा डॉक्टर को बाहर में देखना पड़ेगा, लेकिन तभी भी देखो कि एक गरीब भूमा पुरोहित आके हमको एक विधि दिया, बोला ये ले लो आप ठीक हो जाए। ये प्यार है, ये आपका प्यार है। मैं आपको धोखा नहीं दे सकता, आपके संग विश्वासघात नहीं कर सकते। ये लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं मेरे ऊपर, कभी पुलिस का प्रेशर, कभी पैसा देख के प्रेशर, कभी पोस्ट का प्रेशर, लेकिन आपका प्यार ना, आपका आशीर्वाद, जो गरीब, जो आप लोग गरीब है। मैं कंचनपुर में गया था उस दिन, हम लोगों का एक भ्रूण, एक माँ है, दो दिन से खाना नहीं खाया, दो या तीन दिन से खाना नहीं खाया, कंचनपुर नाइसिंग पारा में उनका राशन बंद कर दिया है, आके हमको फूल दिया, मतलब भुबागरा जीतो ए टाइम, हम लोगों को इंसाफ दो।
देखो मैं जानता नहीं पॉलिटिशियन लोग क्या है, लेकिन मैं जानता हूं कि मरने से पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देके जाऊंगा मैं इसमें। ये फाइट हमारा नेता लोग यहाँ में है। मैंने उस दिन सुना कि ग्रुपिज्म है टिकट के टाइम, आप लोग टिकट के लिए फाइट करता है नेता लोग। कोई बोलता है हम रियांग है, कोई बोलता है हम मोग है, कोई बोलता हम जमातिया है, कोई बोलता देव वर्मा, कोई बोलता त्रिपुरा, कोई बोलता है कि हम बंगाली है। आप लोग जानता सब क्या है, मुसलमान है। सबसे पहले आप लोग सब ना बेरोजगार है और गरीब, उसके बाद बंगाली को भी ज्यादा कुछ नहीं मिला है, आप भी बेरोजगार है और गरीब है। अगर ट्राइबल के पास 2 रुपया है ना तो आपके पास 3 रुपया है। एक बार गुवाहाटी जाओ, यहाँ का अमीर बंगाली गुवाहाटी में गरीब है, नौकरी भी आपके पास नहीं है, हम लोग के पास। और जो लोग बोलता है कि महाराजा सांप्रदायिक है, अरे हमारा परिवार में रविन्द्रनाथ टैगोर को आदर किया, हमने सुभाष चंद्र बोस को आदर किया, हमने बंगाली लैंग्वेज को इज्जत दिया, सम्मान दिया। मुसलमान जो हमारे भाई हैं, मैंने कभी भी आपका दाढ़ी देखकर राजनीति नहीं किया, जिसने किया वो दाढ़ी देखकर राजनीति करता। मैं चाहता हूं कि आपके हाथ में कुरान हो तो लैपटॉप भी हो। ये राज परिवार ने माँ माता बाली का मंदिर बनाया, माँ मंगल चंडी का मंदिर बनाया, चर्च के लिए मिशन कंपाउंड में जगह दिया, गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया और बुद्ध मंदिर भी अगरतला में बनाया। हम लोग ऐसा सस्ता राजनीति नहीं करते। लेकिन आसाम का मैं बैठ जाऊं, थोड़ा बैठ के बात करो। वो आसाम का मुख्यमंत्री ऐसा अच्छा है, मैं बैठ के, हम भी आपका ऐसा, हाँ राजा भी आपका ऐसा बैठ के बात कर रहा है, हाँ ग्राउंड में। ये पॉलिटिशियन नहीं करेगा, ये नेता नहीं करेगा, ये सिर्फ आपका अपना दुबागरा कर सकता है, वो लोग नहीं कर सकता। वो लोग तो बहुत ईगो है उनका, अहंकार बहुत है, हमारा कोई अहंकार नहीं है, हमारा सिर्फ प्यार है। तो आसाम का मुख्यमंत्री बोलता, उस सब बोलते उसको चाणक्य, हाँ चाणक्य है, चाणक्य है वो, मैं भी मानिक्य हूं, लेकिन ताली मत मारो। वो बोलता है कि हम हिंदू के खिलाफ, यहां में मीडिया है, आदत तो कभी कवर करते ही नहीं। मैं हिंदू के खिलाफ क्यों हूं? मैं तो हिंदू को प्यार करता हूं, लेकिन ये लोग पूरा दिन हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है बोलते रहते। तो बचाओ ना हिंदू को, आप तो हिंदू को नहीं बचा रहे हो, आप तो हिंदू को नौकरी नहीं दे रहे हो, आप तो हिंदू को रोजगार या हिंदू के लिए स्कूल नहीं बना रहे हो, आप तो हिंदू के लिए दवाई नहीं दे रहे हो, हॉस्पिटल नहीं दे रहे हो। आप पूरा दिन पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पूरा दिन चाइना के बारे में बात करते हैं, पूरा दिन टिकटॉक के बारे में बात करते हैं। आपको अगर किसी को कुछ करना है तो करो, मैं भी करूंगा, एक संग बात करो, लेकिन नहीं, आपका राजनीति इनका राजनीति, इनका राजनीति सिर्फ दंगा लगाने का है। हमारा राजनीति नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है। बंगाली भी समझ लो, ये कॉकरोच में एक भाषा है, इसका एक मतलब है थानसा, थानजा, थानसा, मुनखा, इसका मतलब है एकता। एकता के लिए मैं फाइट कर रहा हूं, अपना अधिकार के लिए फाइट कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं,
किसी का अपना बुकुम बारा अपना टिपरा सा दोहा को अधिकार देने के बारे बात कर रहा हूं, किसी का अधिकार छीनने के बारे बात नहीं कर रहा। हमने दिल्ली को बोला कि हम लोग भूखा है, हमको खाना दो। हमने कभी नहीं बोला कि उसका प्लेट से खाना लेकर हमको दे दो। हमने बोला कि हम लोग भूमिहीन है, हमारा जमीन है, हम लोग हानी भूसा है। हानी भूसा है कि नहीं हम लोग? हम लोग हानी भूसा है कि नहीं? तो बोला हमारा पट्टा दे दो, हमारा अधिकार दे दो। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि अगरतला में किसी का घर निकाल के उसको बाहर कर दो और हमको दे दो। हमने तो नहीं बोला कि बिप्लब देव को बांग्लादेश भेज दो। हमने तो नहीं बोला कि बंगाली को बांग्लादेश भेजो। जिसने ये बात बोला वो तो बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट है, आपका पता करने है, उसने बोला बांग्लादेशी को बैक। हम लोगों ने तो नहीं बोला। हमारा तिपरा सा लोग इतना बेवकूफ नहीं है, और हम बंगाली को भी अनुरोध कर रहा है, मुसलमान को भी अनुरोध कर रहा है, ये बीजेपी ने क्या वॉशिंग मशीन बनाया है? जो भी आदमी उल्टा सीधा काम करता है, जिसने बोला विप्लव देव बांग्लादेशी, त्रिपुरा सरकार बांग्लादेशी सरकार, बांग्लादेशी गो बैक, वो बीजेपी का वॉशिंग मशीन के अंदर गया, धुल के एकदम सफा हो गया। और जो कुबाग्रा ने आज तक किसी के खिलाफ बात नहीं किया उसको सांप्रदायिक बोलता है। अरे आप अपना घर का अंदर देखो, ये लोग क्या करता है इलेक्शन के टाइम, क्या करता है बोलो? क्या करता है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। नेक्स्ट टाइम जब इनका नेता यहाँ आके भाषण करेगा ना, এই করতে হবে, চক্রান্ত করতে হবে, এখানে পরিশ্রম করতে হবে, এই আমার ভূমি, এই আমার, এই বাত করেগা না? আপ লোক একই বাত বলো, ক্যা? জব থোড়া দিন কে বাদ দেশ কা প্রাইম মিনিস্টার ইহা আয়েগা, বলেগা ভাইও বহনো, এনে দ্রৌপদী মুর্মু কো জো ট্রাইবল হ্যায় উসকো প্রেসিডেন্ট বানায়া। আরে আপ লোক বহুত খুশ হ্যায়, দ্রৌপদী মুর্মু কে লিয়ে সব তালি মারো। हमको बहुत गर्व लगा, अच्छा किया। लेकिन एक गुरु को जो ट्राइबल है या इंडिजिनस है, आदिवासी है, जनजाति है, उसको आप राष्ट्रपति बनाने से सब ट्राइबल का कल्याण हो गया? वाजपेयी जी, मौलाना साहब आपका नाम क्या है? चले अमीर खान नहीं है उसका नाम, क्या नाम है आपका? सलमान खान, क्या नाम है आपका? अबुल हुसैन, अमीर हुसैन। आप तो गरीब हुसैन, अभी तो पैसा नहीं आया। वाजपेयी ने जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, उसने अब्दुल कलाम मुसलमान को राष्ट्रपति बनाया, तो मुसलमान अमीर हो गए? नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रामनाथ कोविंद एससी को बनाया प्रेसिडेंट, तो क्या एससी ठीक हो गया? अच्छा, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का, तो हम लोग का बुरे लोगों को अधिकार मिला? आज ये लोग बोलता है कुबाग्रा आप मुख्यमंत्री बन जाओ, आप मंत्री बन जाओ, आप एमपी बन जाओ। कुबाग्रा जानता है दशरथ देव भी मुख्यमंत्री था, लेकिन मुझे एक टिपरा सा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है, मुझे 14 लाख लोगों को अधिकार देना है। कौन सी चीज को? ये लोग फाइट कर रहा है इलेक्शन के लिए, यहां में YTF है, ये करता ना हम लोग? मैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं, आई एम फाइटिंग फॉर यू, आई एम फाइटिंग फॉर यू। ये लोग यहां में बहुत, हमारा ब्रू है, रियांग है,
वीआईपी आएगा दिल्ली से, हम लोग का रियान लोग हौजागिरी डांस करेगा, यहाँ नाचेगा, हौजागिरी का नाच करेगा, सब लोग ताली मारेगा दिल्ली से कलकत्ता से, ओ हौजागिरी वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत ओहो ओहो वेरी नाइस सब बोले। उसके बाद ओके गुड बाय टाटा चला। हम लोगों को क्या पुतला समझा है, नमूना समझा है कि आप लोग आएगा और हम लोग नाचते रहेगा और आप हम लोगों को कुछ नहीं देगा। ये लोग हम लोगों के साथ खेलता है और हम लोग बटता है क्योंकि हम लोगों का थानसा नहीं है ना, इसके लिए आज ये हम लोगों का परिस्थिति। अगर थानसा होगा ना, नेक्स्ट टाइम दिल्ली से नेता लोग आएगा उनको यहाँ में हौजागिरी डांस कराएगा। हम लोग आपने हमको धोखा दिया। एंड आई एम टेलिंग वन मोर थिंग, वो जो नाइसिंग पारा हमारा जो ब्लू रिलीफ कैंप कंचनपुर में, ब्लू रिलीफ कैंप में आपने 3 महीना से राशन बंद कर दिया, यू हैव शट डाउन द राशन, कि आपने एखाने थाकले आपना राशन पावा जाबे ना, बोला है ऑफिसर ने, बोला है 2 तारीख को पिपरा मोथा त्रिपुरा में पावर में आएगा, मैं वो ऑफिसर का राशन 10 दिन के लिए बंद करूंगा, तब उसको मालूम पड़ेगा कि पेट में भूख क्या होता है। अरे हम लोग कानून पास करते रहता है, ए ना एखाने जेते होबे डुंगुर हुआ पावर प्लांट, अरे डुंगुर दिया चौमती एरियान चले जाओ, क्या हम लोग, क्या हम लोग क्या गाय या बैल या बकरी है क्या, ये हम लोग का जमीन में आप हम लोग का सब कितना खेलेगा। और यहां में प्रमोद है, मैं प्रमोद को बोलना चाहता हूं, आप तो डरपोक है। हमने बहुत विनती किया आपको, हमने बहुत विनती की, आप बोलता ना ना नेक्स्ट टाइम आमी आपका संग, हम आपका संग रहेगा महाराजा नेक्स्ट टाइम। अरे ये हम लोग, आप प्रमोद, आप एमएलए 5 साल के लिए है, आप ब्रू रियांग मुकुबारा पूरा जिंदगी, आपका सर्टिफिकेट में लिखा है प्रमोद रियांग, प्रमोद एमएलए नहीं लिखा है, ये एमएलए तो टेंपरेरी है, फाइट करना है, फाइट करना है तो उनके लिए फाइट करो जो आपका है। अपना मुबादरा को देखो, बीमार, अपना ताकत से अकेला, कोई नहीं है मेरे साथ, अकेला राजबाड़ी में बैठ के नहीं, यहां में अपना गरीब पिपरासा के लिए, अपना गरीब त्रिपुरा का वासी के लिए हम फाइट कर रहे हैं। आप यहां में 1 महीने का सैलरी के लिए, थोड़ा सा फैसिलिटी के लिए, आप अपना लोगों के साथ नहीं है, इसको तो थूकने से भी ज्यादा अच्छा है। अरे उठो, अंदर में आपको उठाओ, अंदर में एक बार अपना कम्युनिटी के लिए, अपना जाति के लिए, अपना अधिकार के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, किसी को किसी के खिलाफ नहीं, अपना अधिकार के लिए फाइट करो मेरे भाई। अगर आज नहीं फाइट किया ना तो बाद में चांस नहीं मिलेगा। ये फाइट 20 एमएलए के लिए नहीं है। यहाँ में हमारा कहा दिल्ली से कोई आया था ना, कहा में आया दिल्ली से अपना टीवी चैनल बोल रहे हैं कि कौन बनेगा किंग मेकर, आप आए हैं, कौन बनेगा किंग मेकर, क्या होगा चुनावी, ये काली मुर्गी ने सफेद अंडा दिया, ये चलते रहता है। मैं आपको सम्मान करता हूँ, आप आए हैं, बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, ये आपने मेरा भाषण भी सुना है, आप पूरा इंडिया में जाके देख लो, एक राजा महाराजा ऐसा भाषण नहीं देगा, क्योंकि मैं राजा महाराजा नहीं हूं, मैं बुबाग्रा को मुकुट नहीं चाहिए, बुबाग्रा को पद नहीं चाहिए, बुबाग्रा जा रहा है इस धरती से, जाने से पहले अपने लोगों को कुछ दे के जाना चाहता है, ये मेरा यहां से वो दिल्ली के लीडर को बोलना चाहता हूं, मैं तो जा रहा हूं, मरे को क्या मारोगे, जो उठ रहा है उसको दबाने का क्वेश्चन, उसको दबाने का कोशिश मत करो। आप लोग सब लीडर है, आपके अंदर हर त्रिपुरा सा, हर त्रिपुरावासी,
हर हिंदू बंगाली मुसलमान क्रिश्चियन के अंदर एक राजा है, एक हानि भुसा है, एक बुबागरा है, उसको उठाओ। 16 तारीख को पिपरा मोथा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? पिपरा मोथा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? सुनिए, ये आवाज दिल्ली जाना चाहिए, दिल्ली का आवाज यहां। और जो नेता ले पिपरा मोथा छोड़कर बीजेपी गया, सीपीएम गया, आईपीएफटी गया, 2 दिन पहले तो बोलता था पिपरा लैंड नाउ और नेवर, डू और डाई, बोल रहा था बुबागरा लॉन्ग लिव, बुबागरा के लिए जान दे देगा। आज अमेरिका टिकट नहीं मिला, पोस्ट नहीं मिला, बीजेपी में चला गया। यार गद्दारी का एक शर्म करो, शर्म करो। यहाँ में हम इनके लिए फाइट कर रहे हैं, बुबागरा खुद एमएलए का टिकट के लिए नहीं फाइट कर रहा, इनके लिए फाइट कर रहा है। आप भी इनके लिए फाइट करो। कैंडिडेट्स, हमारा कैंडिडेट्स कहाँ है? हरेंद्र रिया